हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, लेक्चर नंबर 10 आपके कंप्लीट हो गए थे और 10वें लेक्चर में अपन जो है 341 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, 342 चैप्टर आपका वैल्यूएशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 342 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 342 में 342 देखिए क्या कहा है इसने। इसने आपसे कहा कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड फॉर ए बिल्डिंग ऑफ ए प्लिंथ एरिया 2000 स्क्वायर मीटर। प्लिंथ एरिया कितना है भाई? 2000 स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ प्लिंथ एरिया आपको दे दिया इन्होंने, कहा प्लिंथ एरिया जो है, प्लिंथ एरिया इन्होंने कहा 2000 स्क्वायर मीटर है, 2000 स्क्वायर मीटर या 2000 मीटर स्क्वायर। आगे इसने क्या कहा, और प्लिंथ एरिया रेट जो है, प्लिंथ एरिया जो रेट है ये आपके कितने भाई? 3800 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 3800 रुपये पर मीटर स्क्वायर आपको रेट्स दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कंसीडर द ऐड 15% ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्टॉलेशन एंड 10% ऑफ मिसलेनियस। ये कह रहा है 15% तो एक एक्स्ट्रा और 7% एक और एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। पहले तो प्लिंथ एरिया कॉस्ट पूछो। देखो भाई प्लिंथ एरिया कॉस्ट कितनी है, प्लिंथ एरिया कॉस्ट कितनी आ रही है इस बिल्डिंग पर, प्लिंथ एरिया कॉस्ट कितनी आ रही है। देखो अपन देखा प्लिंथ एरिया इंटू कॉस्ट, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया इंटू जो है प्लिंथ एरिया रेट, तो कितनी है प्लिंथ एरिया कॉस्ट, प्लिंथ एरिया कितना है भैया आपका, अपन देखा 2000 इंटू रेट कितनी है 3800, तो 2000 इंटू 3800 कीजिए भाई, 2000 गुणा 3800 76 लाख। ये कितना हो गया? 76 लाख रुपए तो ये हो गए। देखो भाई 76 लाख रुपए हो गए आपके। अब ये आगे आपसे कहता है कि 15% और 7% और एक्स्ट्रा, ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा और ऐड होना है, एक्स्ट्रा ऐड होना है, एक्स्ट्रा 15% एक्स्ट्रा कितना ऐड होना है, एक्स्ट्रा ऐड होना है 15% तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कि भाई कुछ लो जो लाइट वगैरह कुछ काम है, और 7% और मिसलेनियस आपको एक्स्ट्रा चाहिए। टोटल कितना हो गया? टोटल अपन देगा 22% और एक्स्ट्रा अमाउंट बोल रहा है। तो ये कह रहा है टोटल कॉस्ट बताओ मुझे कि यार टोटल को पैसा कितना लगना चाहिए। तो क्या किया, इस 76 लाख का 15 और 7 22% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 76 लाख का देखो, 76 लाख का 22% तो 1.22 से गुणा कर दो, गुणा 1.22 हो गया आपका, कितना हो गया 92,72,000। तो नया अमाउंट आ गया 92,72,000। ये कह रहा है इस काम को करने के लिए या ये जो प्लिंथ एरिया रेट आएगी इसकी वो 92,72,000 रुपये आपका निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा वाला हो गया? 342 में मैंने देखा डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए, तो 300 तो अपन देखा कि 342 का डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 343 देखिए भाई, 343 में आपका क्या आने वाला है, 343 देखिए, 343 में आपका क्या निकल के आने वाला है। देखो द प्लिंथ एरिया रेट एंड जो प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग 5500 रुपये पर मीटर स्क्वायर एंड 150 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब दो दे रखी है, एक तो प्लिंथ एरिया रेट दे रखा है, देखो 343 में प्लिंथ एरिया रेट दे रखा आपको, प्लिंथ एरिया रेट कितना है, प्लिंथ एरिया रेट दे दिया आपको 5500 रुपये पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर दे दिया। नेक्स्ट ये कहता है कि प्लिंथ एरिया कितना है, प्लिंथ एरिया कितना है, ये कह रहा है 150 मीटर स्क्वायर। अब एक तरह से प्लिंथ एरिया कॉस्ट कितनी आ गई, प्लिंथ एरिया कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, प्लिंथ एरिया कॉस्ट कितनी आ जाएगी, प्लिंथ एरिया भाई टोटल कॉस्ट, मतलब प्लिंथ एरिया टोटल कॉस्ट कितना पैसा लगने वाला है, तो प्लिंथ एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, प्लिंथ रेट, प्लिंथ रेट पर मीटर स्क्वायर जो भी है, प्लिंथ रेट पर मीटर स्क्वायर जो है आपकी, तो अपन देखा कि प्लिंथ एरिया कितना 150, कॉस्ट कितनी है 5500 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो 150 इंटू 55 करिए भाई, 150 गुणा 5500 करिए, कितना हो गया 825,000 रुपये, तो आपका ये हो गया, देखो 825,000 हो गया। अब आगे क्या कहता है,
एडिशनल और ऐड होने, देखो एडिशनल ऐड होने, एडिशनल ऐड होने, एडिशनल ऐड होने, देखो क्या क्या होना है। 7% एक होना है जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है, 16% एक होना है जो किसके लिए, सैनिटरी के लिए है। नेक्स्ट 6.5% एक ऐड होना है जो किसके लिए, रोड और लॉन के लिए है। और क्या है, 4.5% कंटेंजेंसी है, 4.5% और छोटे मोटे हैं। टोटल कितना हुआ भाई, देखो 6, 4, 10, 11 और 7, 18, 34% हो गया क्या, 34% और एक्स्ट्रा मेरे को लेके चलना है एक तरह से इसका। तो आप टोटल कॉस्ट देख लो, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जो ये 825,000 है इसका 34% एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो 825,000 का 34% एक्स्ट्रा, तो 1.34 से गुणा कर लो, तो 825,000 गुणा 34% एक्स्ट्रा 1.34 से गुणा कर दो, कितना निकल, 11,05,500 रुपये आपका निकल के आ गया। इतना पैसा इस काम को करने में लग जाएगा। देखिए कौन सा है, 11,05,500, 343 में ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अपन देखा कि 343 में जो है राइट आंसर क्या हो जाना है, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 344, तो 343 देख लिया भाई मैंने, नेक्स्ट देखो 344, क्वेश्चन नंबर 344, 344 में क्या आना है, देखो 344, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ होस्टल बिल्डिंग। ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताओ होस्टल बिल्डिंग के लिए, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फॉर होस्टल बिल्डिंग, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट फॉर होस्टल बिल्डिंग, होस्टल बिल्डिंग ये करा, कोई बिल्डिंग है होस्टल की, इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताओ मोटे तौर की पर कितना पैसा लगना है। क्या कह रहा है इसमें, हॉस्टल में जो बेड है, हॉस्टल जो है, हॉस्टल है हॉस्पिटल है जो हॉस्टल, तो हॉस्टल जो है ये कह रहा 75 बेड का है, 75 बेड का हॉस्टल है, और ये माना गया कि पर बेड जो खर्चा है वो पीछे जो है 20,000 रुपये, जो आपका इसने कहा कि जो अलोंग कोस्ट जो है, कोस्ट आ रही है, कह रहा है कि 20,000 रुपये पर बेड, मतलब एक तरह जितनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, ये कह रहा है कि एक बैग के ऊपर 20, एक बेड के ऊपर 20,000 की कैपेसिटी आएगी। अब ये कह रहा 75 बेड का बनाना चाह रहे, तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, 75 गुणा 20,000 कर दीजिए, तो अपन ने देखा कितना हो गया, 15 लाख हो गया ना। तो अपन देखा कि ये जो काम है ये 15 लाख में खत्म हो जाएगा, मतलब ये माना ऐसा नहीं कि एक बेड को बनाने में 75,000 लग रहे हैं, 20,000 लग रहे हैं, वो तो ये है कि जैसे भाई 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, अब मान लो 100 बेड को बनाने में 10 लाख लग दे, तो आप कहते हैं 10,000 रुपये पर बेड का खर्चा है इस हॉस्टल को बनाने के लिए। मान लो मैं कहता हूँ कि 20 बेड का जो है हॉस्टल बना और 5 लाख रुपये उसमें खर्चा आया, तो अपन यार कहते हैं कि 20 बेड के में 5 लाख का आया, तो 25,000 रुपये पर बेड आपका खर्चा हो गया। ये एक तरह से मोटे तौर की जो रेटें निकाल जाती हैं उसी के अनुसार आपको जो है यहाँ बता दिया कि इसको बढ़ाने के लिए 15 लाख रुपये लगने चाहिए। था मान लो कहता है कि 100 बेड का बनाना होता तो 100 गुणा 20 कर लेते, वो कहते 20 लाख, वो कहते 500 बेड का बनाना होता तो 500 गुणा 20 कर लीजिए, आप कहते जो है 1 करोड़ रुपये लग जाएंगे। तो इस तरह से मैंने देखा कि किस तरह से मोटे तौर पर या अनुमानित लागत जो है वो ज्ञात की जा सकती है। तो अपन देख लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 344, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 345, क्वेश्चन नंबर 345 देखें भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 345, 345 क्या कहा इसने, व्हाट इज द 345, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉर ए बिल्डिंग विद टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग 500 स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है बिल्डिंग का एरिया कितना एंड रेट
3,000 रुपये परमिट स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई 7 कंटेंजेंसी 7% और 5% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेस्पेक्टिव। देखो वही सेम अभी तक 342-43 जैसे किया था मैंने। ये कह रहा प्लिंथ एरिया कितना है, प्लिंथ एरिया देखा मैंने, ये कह रहा प्लिंथ एरिया कितना है भाई, ये कह रहा है 500 मीटर स्क्वायर है। ये कह रहा है कि प्लिंथ एरिया रेट क्या है, प्लिंथ एरिया जो रेट है, प्लिंथ एरिया रेट ये कह रहा है कि भैया जो रेट है ना वो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर की है। टोटल प्लिंथ एरिया कोस्ट देख लो कितना पैसा लग रहा है, टोटल प्लिंथ एरिया कोस्ट, टोटल प्लिंथ एरिया कोस्ट कितना हो जाएगा भाई, 500 × 3,000 कितना हो जाएगा भाई, 15 के पीछे 5 जीरो जोड़ दो, ये कह रहा 15 लाख रुपये लगे। लेकिन हम कह रहा है कुछ एडिशनल और ऐड होने, कुछ एडिशनल ऐड और होने, मतलब कुछ खर्चे एडिशनल क्या क्या ऐड होने हैं। ये कह रहा भैया 5% तो आपका कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड कंटेंजेंसी आर, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई पर जो है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड कंटेंजेंसी आर 7% एंड 5%, तो एक तरह 7% तो वाटर सप्लाई पर है, जो पानी वगैरह की सप्लाई करूंगा मैं उसके अंदर नले वले जो बिछाऊंगा पाइपलाइन वगैरह, और 5% कंटेंजेंसी जो छोटे मोटे जो खर्चे हैं फुटकर भी है। टोटल कितना ऐड हो रहा है आपका, अपन देखा 12% एक्स्ट्रा लग रहा है उस प्लिंथ एरिया कोस्ट पर, 12% और आपका एक्स्ट्रा लगना है। तो अपन देखा कि टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी, अब अपन देख रहे हैं टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी, देखो कितनी हो जाएगी भैया, अपन देखा 15 लाख तो ये है ही, इसका 12% और कर लो तो 1.2 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 16,80,000, 16,80,000 आपका निकल कर आगे। तो कहता है कि इस काम को करने के लिए कितना लग जाएगा, 16,80,000 रुपये आपका यहाँ पर खर्चा हो जाना है। 15 लाख × 1.12 अपन यहाँ पर करके चलेंगे तो 16,80,000 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, 345 जो है उसमें सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 345 में सी ऑप्शन आपका हो जाता है, ठीक है भाई। तो अपन देखा 345 हो गया भाई अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 346। देखिए 346 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रिलिमिनरी एस्टीमेट फॉर ए बिल्डिंग हैविंग टोटल कारपेट एरिया 500 स्क्वायर मीटर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा कारपेट एरिया कितना है, कारपेट एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10% फॉर कारपेट फॉर वॉल्स। ये कह रहा है कि एक तरह से वॉल्स एरिया जो है ये 10% ऑफ द कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया यही तो बोला है इसने, क्या कहा है देखो, इसने कहा कि एक्स्ट्रा प्रोविजन है 10% ऑफ द कारपेट एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द वॉल एंड बरंडा, वॉल्स एंड बरंडा के लिए, वॉल्स एरिया एंड बरंडा एरिया, जो बरामदा है, बरामदा जो आप देख रहे थे बरामदा एंड वॉल एरिया 10% है इसका। तो अपन ने देखा, अब ये कहता है कि द प्लिंथ एरिया रेट इज जो है ₹1,200 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा प्लिंथ एरिया रेट क्या है भाई, प्लिंथ एरिया जो रेट है वो है आपका ₹1,200 पर मीटर स्क्वायर। ये कह रहा प्लिंथ एरिया रेट है वो ₹1,200 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने देखा कि टोटल कॉस्ट कितनी लगनी है भाई, टोटल प्लिंथ एरिया कॉस्ट क्या हो जाएगी, अपन देखा प्लिंथ एरिया इंटू क्या है, प्लिंथ एरिया कोस्ट। अब आप देखो प्लिंथ एरिया, ये तो कारपेट एरिया है भाई, प्लिंथ एरिया कितना होगा, मैंने देखा कारपेट एरिया निकलते कैसे है, मैंने देखा था कारपेट एरिया ये निकलता था प्लिंथ एरिया माइनस एरिया फॉर डिडक्शन है ना, सर्विसिबिलिटीज एरियाज जो थे
सर्विसिबिलिटी एरिया एंड वॉल एरिया एक तरह से ये सब घटा देते हैं अपन ने, तो अपन देखा कि अगर मुझे अब प्लिंथ एरिया चाहिए तो क्या करूँगा, ये वाला इसमें जोड़ दो, तो एक तरह से जो प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया कितना निकल जाएगा अपन देखा, कारपेट एरिया कितना है आपका 500 प्लस जो सर्विसिबिलिटी जो बारांडा वगैरह और वॉल्स वगैरह इनके लिए कर दिया इसने 10% और एक्स्ट्रा इनका, कौन से का कारपेट एरिया का, तो कारपेट एरिया का 10% एक्स्ट्रा मतलब 500 का 10% एक्स्ट्रा है, तो अपन देगा ये कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से 10% एरिया कितना हो जाता है 50 मीटर स्क्वायर ही तो हो जाता है 500 का, तो ये कह रहा है कि 50 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा हुआ एरिया वॉल्स और बरंडे का है, तो अब टोटल प्लिंथ एरिया कितना हो गया कारपेट प्लस जो वॉल्स और बरंडे का था, तो 50 वो हो गया उसका 10% है तो 550 हो गया, तो अब आपका प्लिंथ एरिया हो गया 550, तो देखो टोटल प्लिंथ एरिया कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, प्लिंथ एरिया भी कितना है 550, कहीं तुम इससे कर दो ये नहीं आएगा, ये तो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया रेट दो थोड़ी दे रखे, तो अपन देखा 550 इंटू कोस्ट 1200, तो 550 इंटू 12 से कर लीजिए कितने हो गए 660,000, 660,000 रुपये आपके हो जाते हैं इस बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए, या ये कहो कि कंस्ट्रक्शन को कराने के लिए आपको 660,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली, बात समझ गए ना, इस क्वेश्चन में कारपेट एरिया दिया था जबकि मेरा होता है प्लिंथ एरिया, तो प्लिंथ एरिया कैसे आएगा, जो 10% एरिया था वो और जुड़ जाएगा, 10% ऑफ द कारपेट एरिया जो वॉल्स, क्योंकि वॉल्स वगैरह के एरिया और जुड़ेगा ना आपका प्लिंथ एरिया निकालने के लिए, तो अपन देखा 10% कितना होता है 50 मीटर, तो 550 मीटर स्क्वायर है आपका प्लिंथ एरिया, तो अपन देखा 660,000, और आपको देखो 345 में मामू बढ़ाने के लिए ऑप्शन सी में 600,000 भी दे रखे हैं, तो आधे से बेवकूफ तो 600,000 पर जाकर अटक जाएंगे, क्योंकि वो तो देखेगा अरे यार ये तो मेरे को सीधा सीधा दे रखा है 500 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है और मेरे को रेट दे रखी है, तो गुणा कर लेगा 600,000 आ गया और बड़ा खुश हो जाएगा भाई मेरा सही हो गया, लेकिन पता लगा कि भाई साहब आप गलत करके आ गए और नेगेटिव और लिया, हालांकि इस एग्जाम में नेगेटिव नहीं है आपका, तो अपन देखा कि 346 में यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो 346 का डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 347, द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 50,000, ये कह रहा किसी मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है आपकी 50,000 है, 50,000 एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, और ये कह रहा है कि यूजफुल जो लाइफ है वो कितने साल है 10 साल है, इफ डिप्रिसिएटेड कॉस्ट आफ्टर 5, इट्स डिप्रिसिएट कॉस्ट आफ्टर 5, ये कह रहा 5 साल बाद इसकी डिप्रिसिएट कॉस्ट बताइए, मतलब मूल्यह्रास, क्योंकि भाई जब आज बनाइए 5 साल बाद धीरे धीरे इसके मूल्य में क्या होगी कमी होगी, तो ये कह रहा 5 साल बाद इसकी जो है डिप्रिसिएट कॉस्ट बताइए इफ सालवेज वैल्यू ऑफ RS 10,000, ये कह रहा है यदि इसकी सालवेज वैल्यू 10,000 है, तो ये कह रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितने, देखो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है भाई 50,000, 50,000 रुपये है भाई, यूजफुल लाइफ, लाइफ ऑफ मशीन जो है वो कह रहा है 10 years है, 10 साल है, इट्स डिप्रिसिएट कॉस्ट आफ्टर 5 years, ये कह रहा है कि डिप्रिसिएट कॉस्ट निकालो 5 साल बाद, डिप्रिसिएट कॉस्ट आफ्टर 5 years, ये कह रहा 5 साल बाद इसकी डिप्रिसिएट कॉस्ट ज्ञात करो, यदि सालवेज वैल्यू, सालवेज जो वैल्यू है ये कह रहा है 10,000 है, सालवेज वैल्यू बोले है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, किसके ऊपर स्ट्रेट लाइन, तो देखो डिप्रिसिएट कॉस्ट कैसे आते हैं, कभी भी जो डिप्रिसिएट कॉस्ट निकालते हैं एन ईयर्स, डिप्रिसिएट कॉस्ट आफ्टर एन
ईयर्स, मतलब एन नंबर्स ऑफ ईयर बाद कितने, अब जितने साल बाद पूछ रहा है, अगर आप 5 साल बाद निकालो तो यहां एक तरह से यहां जो एन की वैल्यू 5 साल बाद, अब एक तरह कितनी आएगी, ये कहता है सी माइनस एन डी होता है। ये देखो एक ये फार्मूला ध्यान रख लो बस कि सी माइनस क्या है एन डी। अब मैं देख रहा हूं वेयर सी जो है ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट मुझे पता ही है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मेरे को पता है 50,000 है, तो मैंने यहां सी की वैल्यू देख ली एक तरह से 50,000 मुझे पता है। एन ये कह रहा है जितने साल बाद पूछ रहा है वो यहां ये एन क्या है, एन अपने जितने साल बाद वो बोल रहा है, उसने कहा कि भाई 5 साल बाद निकालो तो कैपिटल एल 5 है, मतलब ये ध्यान रखे कि ये जो एन है ये आपका लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये वो वाला एन आएगा जितने साल बाद वो आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है डिप्रेसिएशन निकालो। तो मैंने देखा यहाँ सी मेरे पास है, एन मेरे पास है, मेरे पास डी नहीं है। अब डी मुझे पता है डी एनुअल डिप्रेसिएशन, मैं कैसे निकाल लूंगा भाई डी एनुअल डिप्रेसिएशन मेरा कैसे निकल के आ जाएगा, अपन ने देखा कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे बोल रहा था सी माइनस एस अपॉन स्मॉल एन, ये ध्यान दे कि स्मॉल एन, स्मॉल एन जो है स्मॉल एन क्या होगा, स्मॉल एन क्या होगा भाई, स्मॉल एन आपने देखा कि लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर या लाइफ ऑफ द मशीन आपका, तो अपन देखा यहां सी है, सी क्या है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मैंने देखा 50,000 था तो मैंने 50,000 लगा दिया। एस क्या है स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू 10,000, और ये अब ये कैपिटल एन नहीं, देखो ये कौन सा है ना, क्योंकि मुझे डी निकालना था, डी क्या था आपका एनुअल डिप्रेसिएशन की भाई एक साल में कितना है आपका, यहाँ जो ये डी तो एनुअल डिप्रेसिएशन कितना है आपका, ये मेरे को स्मॉल, तो अपन देखा कि एन कितना है जो लाइफ स्मॉल एन है लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर 10 years, तो डी देख लो कि हर साल कितना हो रहा है आपका, तो 50 में से 40 बटे 10 4,000 रुपये पर ईयर हो रहा है। अब आप देख लो आपका कितना यहां से निकल गया, सी 50,000 थी, एन जितने साल बाद पूछ रहा चाहे 5, डी एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है 4,000 है, तो देख लो 5 को 20 घटा दो वो कह रहा 30,000 उसकी वैल्यू रह जाएगी या उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 30,000 आपकी रह जाएगी। तो अपन यहाँ देख लिया कि किस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, केवल एक फार्मूला ध्यान रखना है कि भाई डिप्रेसिएटेड कॉस्ट आफ्टर एन ईयर सी माइनस एन डी, सी और एन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, सी ओरिजिनल कॉस्ट, एन जितने साल बाद पूछ रहा है वो 5 साल बाद पूछ रहा है तो 5, 8 साल बाद पूछ रहा है तो 8, डी एनुअल डिप्रेसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालने के लिए बोला था सी माइनस एस अपॉन स्मॉल एन, इससे आप निकाल लेंगे 4,000 आ रहा था, तो 50,000 माइनस 5 साल बाद 5 × 4,000 तो अपन देखा कि 30,000 उसकी कीमत आपकी रह जाती है, तो जो 30,000 आपकी कीमत वहां उसकी हो गई भाई, ठीक है। तो अपन देखा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 348, क्वेश्चन नंबर 348 देखें भाई, कैलकुलेट द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ए मशीन हैविंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ 10,000, ये कह रहा है एनुअल डिप्रिसिएशन ज्ञात करो, एनुअल डिप्रिसिएशन मतलब स्मॉल जो डी ज्ञात करो, है ना, वहां तो कह रहा था 5 साल बाद कॉस्ट कितनी रह जाएगी वैल्यू पूछ, या कह रहा है एनुअल डिप्रिसिएशन ज्ञात करो, डी ज्ञात करवा रहा है इनिशियल कॉस्ट, जो कॉस्ट है ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, और यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग कितने भाई 30 years है, 30 साल है आपका। तो अब यहां क्या पूछ रहा है आपसे, इस डी पूछ रहा है, तो कौन सा मेथड से बोल रहा है आपको, कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब आप देखिए वो स्ट्रेट लाइन में डी बराबर सी माइनस एस अपॉन
एन हो गया सी, ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी थी 10,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, लाइफ 30 साल, तो 9,000 में 30 का भाग दे दीजिए 300 रुपये आ गए। वो कह रहा हर साल जो है वो 30,000 रुपये का लॉस आपका यहाँ पर हो जाएगा, 30,000 जो है एवरी ईयर आपका लॉस आ जाएगा। तो अपन देखा कि जो है जो क्वेश्चन नंबर आपका था 348, उसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 349 देखिए भाई, 349 में क्या कह रहा है। देखिए कैलकुलेट द एनुअल परसेंटेज डिप्रेशन ऑफ मशीन यूजिंग द कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड। एनुअल परसेंटेज डिप्रेशन पूछ रहा है मशीन का कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड से। इफ परचेज कॉस्ट 12,000, मतलब परचेज कॉस्ट है जो ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसकी, परचेज कॉस्ट का मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 12,000 रुपये है। और क्या कहा है, स्क्रैप वैल्यू 3,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000 है, लाइफ ऑफ मशीन 8 ईयर्स, लाइफ ऑफ मशीन जो है वो 8 ईयर्स है, 8 साल है भाई। ये कह रहा जो मशीन की जो लाइफ है वो कितनी ईयर्स है, 8 ईयर्स आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो अब अपन देखा कि कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला देखिए, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड कैसे निकाल रहे थे, 1 - s / c की पावर 1/n, ये फॉर्मूला था आपका। तो देखिए डी, अब वैसे देखा जाए तो आपसे होगा नहीं बिना कैलसी के, कई बार क्वेश्चन ऐसा कम देता है। वैसे 1 - s स्क्रैप वैल्यू 3,000, ओरिजिनल कॉस्ट 12,000, 1/8 डी पर आधा आसान से तो कैलसी से भी ना होएगा, है ना, आधे को तो कैलसी भी नहीं चलाना आता है। तो अपन देखा 1 - 1/4 हो गया भाई, 1 - 1/4, तो 1 - 1/4 की पावर 1/8। कैसे करोगे, डी बराबर 1 - 1/4 क्या हो गया, 0.25 की पावर 1/8। अब 1/8 को भी आप देख सकते हो, 1/8 भी 0.125 होता है भाई। तो अपन देखा ये 0.125 हो गया, तो डी बराबर देखो कैलसी, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा सवाल आपसे वैसे तो हो ही नहीं सकता, आप इसका केवल आइडिया लगा सकते हो। देखो मैं अभी इसको कैलसी से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अब आपके पास बिना कैलसी कैसे देखते हैं आप इसको। देखो अब ये कह रहा है कि कितना लॉस होना चाहिए था, देखो अब ये कह रहा है 9.37% मान लो आप लेते तो 9.8 तो 72% होता है। अगर 8 साल में ये 9% लेके चलता तो अपन देखा कि 9.8 तो बेहतर, अगर मैं 100% कीमत मिलूँ तो 9.8 तो बेहतर ही होता, तो पहला नहीं हो सकता, 26 ज़्यादा हो जाता है, 33 और ज़्यादा हो जाता है। इसका जो आंसर है वो 16% आना चाहिए। देख लो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कैसे करोगे, 0.25 का कैप लगाइए जो है भाग कितना 0.125 आप कर लीजिए, यह आपका 0.84 निकल के आ गया। एक में से 0.84 घटा दो, एक में से 0.84 घटा दो, देखो 0.16 बच जाएगा, परसेंट करोगे तो 16% ये यहाँ पर निकल कर आ जाते है। तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो 16% आपकी होगी। तो आपने देखा कि 349 में बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अपन देखा कि बी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 350 देखिए भाई, में क्या कह रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पंप आफ्टर 5 ईयर्स। ये कह रहा है कि किसी पंप की वैल्यू ज्ञात करो 5 साल बाद, इफ एनुअल डिप्रिसिएशन इज 2,000। वो कह रहा है एनुअल कैलकुलेट जो है वैल्यू ऑफ पंप आफ्टर 5 ईयर्स। वो कह रहा 5 साल बाद ज्ञात करो भाई,
आफ्टर फाइव ईयर्स। अब ये कह रहा है एनुअल डिप्रिसिएशन वैल्यू इज 2000 आर, ये कह रहा है एनुअल डिप्रिसिएशन जो है, एनुअल जो डिप्रिसिएशन है डी जो है एनुअल डिप्रिसिएशन वो 200 रुपये है पर ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पंप, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पंप कितने हैं 3000 है, तो एक तरह से पंप की 5 साल बाद, तो ये कह रहा है कि डिप्रेस्ड वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। भाई अभी मैंने एक फॉर्मूला पीछे कराया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन सी माइनस एन डी, सी ओरिजिनल कॉस्ट है भाई 3000, एन 5 साल बाद बोल रहा है तो 5, यहां देखो सीधा ही दे दिया इसने, वहां पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे डी निकालना पड़ा था, यहां तो सीधा ही बोल दिया कि एनुअल डिप्रिसिएशन प्रति साल 200 रुपए है, तो एक साल में मतलब डी की वैल्यू दे दी कि हर साल 200 को, तो 200 कर लो, 1000 घटा दीजिए कितना रह गया 2000 रुपये आपका रह जाता, तो आप कहोगे कि जो आपका अमाउंट है वो 2000 आपका यहाँ पर रह जाएगा, 200 रुपये आपका, 2000 रुपये यहाँ पर आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन ये चीज़ें चेक कर ली है, या 2000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा 350 में, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 300, ये आपका 350 वाला हो गया था, 350 वाला हो गया था, 350 था ये जो अभी अपन ने किया है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 351, ये 350 हो गया था, ये 350 था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 351, ए टेस्ट फैसिलिटी सेटअप कॉस्ट ऑफ आरएस 10 लाख, ये कह रहा है कि कोई टेस्ट फैसिलिटी के लिए मतलब कोई मशीन वगैरह लगाई जिसकी कॉस्ट 10,000 है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन टाइम एंड स्क्रैप वैल्यू 50,000, ये कह रहा है स्क्रैप वैल्यू 50,000, द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ आफ्टर 10 ईयर, अडॉप्टिंग ए स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एस्टिमेट द बुक वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, तो ये कह रहा है कि भैया मुझे क्या बताइए, अडॉप्टिंग स्ट्रेट लाइन मेथड द कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रेशन एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, टेस्ट फैसिलिटी ऑफ सेटअप जो है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट द स्क्रैप वैल्यू जो है 50,000 एट द एंड्स ऑफ यूजफुल लाइफ आफ्टर, अडॉप्टिंग स्ट्रेट लाइन फॉर कंप्यूटेशन डिप्रेशन एस्टिमेट द बुक वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, तो ये कह रहा है कि बुक वैल्यू बताइए, अब इसकी बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब आपने देखा कि बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, मैंने देखा बुक वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इन प्रीवियस ईयर्स, तो ये क्या कह रहा है कितने साल, तो एनुअल डिप्रिसिएशन देख लो क्या कह रहा है ये, सी माइनस एस अपॉन एन, कितने साल बाद, इसमें अभी कुछ एक डाटा मिसे है, देखो कोई एक डाटा मैं भी एक बार देख लेता हूँ, डी बराबर सी माइनस एस अपॉन एन 10,000 भाई 10,000 10 लाख माइनस 10 लाख माइनस 50,000 अपॉन डाइपो 9.5 लाख में, तो 95,000 रुपये रह गए, 95,000 रुपये पर ईयर हो गए, तो 5,000 पूछे थे ना, तो अब ये इसमें एक डाटा रह गया था, देखो इस क्वेश्चन में एस्टिमेट द बुक वैल्यू ऑफ फैसिलिटी आफ्टर फाइव ईयर्स, ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है, इसमें 351 वाले में देखोगे तो इसने कहा कि 5 साल बाद बुक वैल्यू बताओ आपका, मतलब पीछे लास्ट वो कहेगा बुक वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स वर्ड और लिख लेना, तो देखो ये तो मेरा 95,000 रुपये पर ईयर्स हो गया, अब ये कह रहा है कि बुक वैल्यू बताओ भाई, बुक वैल्यू तो यही तो फॉर्मूला था, ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख
माइनस डिप्रिसिएशन इन प्रीवियस ईयर, तो एक साल का 95,000। अब मैंने क्वेश्चन में लिखा दिया 5 साल बाद बताओ, तो एनुअल डिप्रिसिएशन इन प्रीवियस ईयर, तो उन 5 सालों में कितना होगा, 5 गुणा कितना आपका 95। यही तो है एक तरह से, वो जो बुक वैल्यू या अपन वो पूछ रहे थे वो भी एक तरह से बुक वैल्यू निकाल रहा था, ये फॉर्मूला भी जो सी माइनस एन डी यही तो था, ये एक तरह से जो पाँच साल बाद उसकी डिप्रेस्ड वैल्यू कितनी रहेगी, वो डिप्रेस्ड वैल्यू एक तरह से बुक वैल्यू थी भाई, कि क्योंकि डिप्रेसेशन घटाने के बाद जो आपका बचता वो बुक वैल्यू ही तो है। तो यहाँ इसने सीधा बोल दिया बुक वैल्यू, वहाँ कह रहा था वो कि आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स मुझे उस पंप की कॉस्ट बताइए, डिप्रेस्ड कॉस्ट बताइए, डिप्रेस्ड होकर कितनी, तो एक तरह से वो क्या था, बुक वैल्यू था आपका। बात समझ गए ना, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 350 देख लिए या 300 जो है आप 47 देख लिए, इनमें आपसे या तो उसने कह दिया भाई 5 साल बाद इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ये डिप्रेस्ड कॉस्ट क्या रहेगी, या वो कह सकता था बुक वैल्यू आपकी कितनी रहनी थी। एक तरह से ये बुक वैल्यू का ही फॉर्मूला है ये। तो अपन देखा कितना रह जाएगा भाई, 10 लाख में से 4,75,000 घटा दो, 5,25,000 आपका रह गया। तो अपन ने यहाँ देख लिया कि जो मेरा क्वेश्चन था ना उसमें मेरे को लास्ट में एक बात लिख लेनी थी कि भाई मुझे बुक वैल्यू बताओ आफ्टर 5 ईयर्स के, 5 साल बाद क्या बुक वैल्यू होगी जो मेरे से यहाँ मिस हो गई थी या जो मेरे से रह गई थी, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर 5 ईयर्स लिख लेंगे और आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 352। क्वेश्चन नंबर 352 देखिए भाई, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईयरली डिप्रिसिएशन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ परपेज एट द कॉस्ट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन पूछ रहा है, कॉस्ट 20 लाख हैविंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ये कह रहा है कि एनुअल डिप्रिसिएशन निकालो, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालो, क्या था सी माइनस एस अपॉन एन, ऑरिजिनल कॉस्ट कितनी है भाई 20 लाख, 20 लाख ही है ना, 20 लैक्स, लाइफ ऑफ बिल्डिंग, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर कितना है भाई 20 ईयर्स, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर कितना 20 साल है ना। अब ये कह रहा है कि अब देखो यहां स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपने देखा कि स्क्रैप वैल्यू जो है 10% मान लेते हैं इसका, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 10% ऑफ द 20 लाख का 10%, 2 लाख हो गए भाई। तो देख लीजिए एनुअल डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 20 लाख माइनस 2 लाख अपॉन लाइफ कितनी है, कितने लिए 20 ईयर्स, तो देखिए 18 लाख में 20 का भाग दे दीजिए, तो 90,000 रुपये पर ईयर आपका यहाँ पर लॉस निकल कर आ जाएगा, 19,000 पर ईयर आपका यहाँ पर एनुअल डिप्रिसिएशन होने वाला है। तो मैंने 352 में देख लिया मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 353 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 353 वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 10,000, ये कह रहा है कि जो कॉस्ट है आपकी मशीन की वो 10,000 है, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है भाई 10,000, 10,000।
यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ ये कहता है आपका 10 ईयर्स, 10 साल। ये कह रहा है डिप्रेसिएट कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, वो कह रहा है डिप्रेसिएट कॉस्ट बताओ 5 साल बाद, डिप्रेसिएट कॉस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। वो कह रहा 5 साल बाद इसकी डिप्रेसिएट कॉस्ट बताइए। तो आपने देखा इफ साल्वेज वैल्यू दे दी, साल्वेज वैल्यू कितनी है भाई, इसने कह दिया 1000। तो मैंने आपको बता ही दिया था, देखो चाहे डिप्रेसिएट कॉस्ट बोल लो और या इसको क्या बोल सकते थे, बुक वैल्यू बोल सकते थे। मैंने बताया था एक ही फॉर्मूला था, सी माइनस एन डी। अब देखिए आपको सी दे रखा है ओरिजिनल कॉस्ट 10000, एन कितने साल बाद पूछ रहा है, वो कह रहा है कि डिप्रेसिएट कॉस्ट कितने साल, 5 साल, एन पर डी नहीं है तो डी के लिए देख लो, डी बराबर सी माइनस एस अपॉन स्मॉल एन। सी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10000, एस स्क्रैप वैल्यू 1000 अपॉन एन लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 10, तो 9000 में देखिए 900 रुपये है आपकी, तो कितनी हो जाएगी देखो भाई 10000 में से माइनस एन कितने साल बाद 5, तो 5 × 900 4500 घटा दीजिए 5500 रुपये आपका बच जाता है। तो जो आपका डिप्रेसिएट कॉस्ट है वो आपका 5 साल बाद, एक तरह से 5 साल बाद जो बुक वैल्यू है वो 5500 रुपये यहाँ पर आपकी रह जाएगी, ठीक है। तो अपन देखा यहाँ 5500 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 354, 354 देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 354 देखिए, फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ ए मशीन ऑफ द एंड ऑफ 6 ईयर इफ द मशीन परचेज फॉर, ये कह रहा है कि बुक वैल्यू ज्ञात करो मशीन एंड ऑफ 6 ईयर, बुक वैल्यू ज्ञात कर रहा है, बुक वैल्यू पूछ रहा है, बुक वैल्यू आफ्टर 6 ईयर, एक तरह से आफ्टर 6 ईयर डिप्रेस्ड वैल्यू पूछ रहा है। मशीन परचेज 15 लाख, एक तरह से कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट जो है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 15 लाख, 15 लाख है। एस्टिमेटेड लाइफ, लाइफ ऑफ मशीन 15 साल है। साल्वेज वैल्यू 2,25,000 है। स्ट्रेट लाइन मेथड से वो कर रहा है, देखो बुक वैल्यू मैंने 6 साल बाद मैंने पूछी, बोल रखा है बुक वैल्यू के लिए या डिप्रेस्ड वैल्यू सी माइनस एन डी। अब आपको सी पता है 15 लाख, एन पता है कितने साल बाद पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर तो 6 हो गया, डी देख लो, डी सी माइनस एस अपॉन एन, सी 15 लाख, एस स्क्रैप वैल्यू 2,25,000 अपॉन कितने साल है लाइफ 15, तो देखिए 12,75,000 में 15 का भाग दीजिए भाई, कितना आ जाएगा 20 अट्ठा 120 आ गया, 7 जो है 15 × 5 = 75, 85,000 हो गया भाई। तो देख लीजिए 85,000 हो गया, तो क्या करने वाले हैं, आपका जो फॉर्मूला था सी कितना था 15 लाख, 15 लाख माइनस एन 6 × 85,000, 6 लाख, 5 लाख, 10,000 घटाए 9,90,000 रह गए क्या, तो 9,90,000 आपका अमाउंट यहां पर हो जाएगा। तो अपन देखा 9,90,000 कौन सा आंसर सही हो गया, 354 में सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है, तो जो सी ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 355, में क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट द ईयर परचेज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। देखो ईयर परचेज के लिए एक तो एक ही फार्मूला था, बहुत सिंपल है,
एयर परचेज क्या होती है, 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ही फॉर्मूला होता है भाई, 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 बटे कितने परसेंट पर बोल रहा है, 5%, तो 20 रुपये हो गए। वो कह रहा है 20, क्योंकि एयर परचेज यही था, 1 रुपये वार्षिक की ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो अपन देखा 20 रुपीज आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो 355 में आपका क्या हो गया, 20 रुपये आपका हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, डी ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 356, कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एनुअल रेंट ऑफ 20,000 एंड हाईएस्ट रेट ऑफ जो है इंटरेस्ट 5%। देखो कैपिटलाइज वैल्यू, देखो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, कैपिटलाइज वैल्यू के लिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था, क्या था आपका, एयर परचेज इनटू नेट इनकम, यही बोला था ना भाई मैंने आपको, क्या बोला था, एयर परचेज इनटू नेट इनकम। तो देखो कैपिटलाइज वैल्यू एयर परचेज क्या होती है, एयर परचेज मुझे पता ही है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई, 100 अपॉन क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई। तो अपन देखा कि 100 बटे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट रेट पर बोल रहा है, 5%, तो 100/5 इंटू नेट इनकम, नेट इनकम कितनी है आपकी प्रॉपर्टी में, कितना ले रखा है आपको, देखो 20,000 आपका है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,000 है ना भाई, तो 20 से ये कर लो, कितना हो गया आपका, 400,000 रुपये आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आप कह दोगे कि इस प्रॉपर्टी की जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो कितना होगी, 400,000 रुपये यहाँ पर हो जाता है। बस सिंपल, आप देखो आपका कैपिटलाइज वैल्यू एयर परचेज इनटू नेट इनकम का प्रोडक्ट है, इनका मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 357, ए प्रॉपर्टी फिटेच RS 9000 डिडक्टिंग ऑल गोइंग्स, मतलब नेट इनकम दे रखिए, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% देन कैपिटलाइज वैल्यू, अगेन कैपिटलाइज वैल्यू पूछ रहा है भाई, कैपिटलाइज वैल्यू एयर परचेज इनटू नेट इनकम, एयर परचेज इनटू नेट इनकम, देखो एयर परचेज 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8%, तो 100/8, और ये कह रहा प्रॉपर्टी की जो फिटेज वैल्यू है जो है 9000 है, डिडक्टिंग ऑफ ऑल जो है डिडक्टिंग ऑफ ऑल आउटगोइंग सभी उनको घटा के एक तरह नेट इनकम आपकी दे रखी है 9,000 रुपये। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा भाई, जब 12.5 × 9 करेंगे तो 112,500 रुपये आपके निकल कर आ जाएंगे। तो 357 में आपका कौन सा सही हो जाता है, आपने देखा सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, तो 357 में सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 358, ए बिल्डिंग फिटिंग एन एनुअल रेंट ऑफ 180,000, वही एक द परचेजर डिजायर टू गेट 5% रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटलाइज वैल्यू बताओ, 5% रिटर्न चाहता है, सिंपल वही आपका फॉर्मूला मैं सीधा ही लिख रहा हूं, कैपिटलाइज वैल्यू देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है, तो ईयर परचेज 100/5 हो जाएगा इनटू नेट इनकम 180,000 है, तो 20 गुणा कर लो 36,00,000 हो गया भाई। तो आप कह दोगे 36,00,000 रुपये आपका इस बिल्डिंग का कैपिटलाइज वैल्यू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 359 देखिए भाई, ए बिल्डिंग ऑनर रिसीव एन एनुअल फीस ऑफ 1,00,000, द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर 15,000, द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। देखिए वही आपका कैपिटलाइज वैल्यू पूछ रहा है,
क्या हो जाएगा, एयर परचेज इंटू इंटू नेट इनकम। एयर परचेज क्या होता है, 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है 5% इंटू नेट इनकम। देखो सभी जो है ये आपसे कह रहा है कि ऑन रिसीव एनुअल फीस ऑफ इन टोटल जो है रिपेयर 1,00,000 होते टोटल एनुअल रिपेयर्स और 15,000, तो एक तरह से नेट इनकम कितनी हुई, नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 1,00,000 में से खर्चा घटा दो आउटगोइंग्स, 15,000 घटा दो कितनी हो गई, 85,000 नेट इनकम है। तो देखो यहां क्या जाएगा, इंटू 85 20 कितना हो गया, 17,00,000 रुपए उसका हो जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू। तो इस प्रॉपर्टी की जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो 17,00,000 आपकी यहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 360। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इंस्टॉल ऑफ बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट RS 50,000, कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट ऑफ अकुमुलेट ऑफ होल अमाउंट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूमिंग द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर 10 ईयर्स। वैसे इस तरह क्वेश्चन जब आएगा तो आपसे देखो बिना कैलसी के होता नहीं है, सिंकिंग फंड का क्वेश्चन अगर आ गया तो बिना कैलसी के नहीं होगा, बस आप आइडिया से कर सकते हो। देखो सिंकिंग फंड बोल रहा है ये कि कितना पैसा जमा कराऊं, मैंने देखा था सिंकिंग फंड का जो है SI अपॉन 1+I की पावर N -1 से सॉल्व था। S कितना है भाई, आपने देखा 50,000 है, I रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है, तो 5% को मैं देखूंगा तो 0.05 अपॉन 1+0.05 एन लाइफ ऑफ बिल्डिंग है 10 ईयर्स -1। इसको सॉल्व करने अब ये बिना कैलसी के सॉल्व होने से था। देखो आप कैसे अनुमान लगा सकते हो, वो कहता है यार 10 साल में मुझे 50,000 रुपये इकट्ठे करने हैं, 4 ऑप्शन है 1535, बी 30,695, सी 3975 और डी 79,503। अब मुझे 10 साल में एक ऐसी किस्त बनानी थी जिससे मेरे 50,000 रुपये इकट्ठे हो जाएं भाई, यही तो था सिंकिंग फंड कि मैं एक अमाउंट डिपॉजिट करता हूं ताकि उस अमाउंट का यूज मैं दोबारा से बनाने के लिए कर सकूं। अब आप ये देखो कि यार अगर 30,000 10 साल में आप करते हर साल, क्योंकि वो कह रहा सिंकिंग फंड तो ये तो 3,00,000 हो जाता, हो ही नहीं सकता है, मेरे को तो 50,000 एक्युमुलेट करना, ये नहीं हो सकता। 79,000 ये मैंने देखा 10 साल में 79 करता हूं तो लगभग 7,90,000 ये तो बिना ब्याज के हो रहे हैं, तो ना तो ए बी हो सकता है और ना ही डी हो सकता है, बी और डी तो हो ही नहीं सकते। अब मैंने देखा कि यार ए और सी में से कौन सा हो सकता है, क्योंकि मुझे 10 साल में 50,00,000 ही तो 50,000 ही तो इकट्ठे करने थे, अगर मैं 10 साल में 1500 किस्त बांधूं तो 10 साल में 1500 का 10 साल 15,000, मतलब मैं 15,000 रुपये तो जमा करा रहा हूं और 5-6% में 35,000 रेट ब्याज हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई आपने देखा कि इससे ज़्यादा मूल से थोड़ी हो जाएगा 5-6% पे। तो अपन देखा कि आपका आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि 10 साल में लगभग 39,000 रुपये अपन जमा कर देंगे और उसका 10-11,000 रुपये अपन को ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो एक आइडिया से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर आप क्वेश्चन कैलसी से करोगे तो तब तो आपको सॉल्व हो जाएगा कि भाई 3975 रुपये निकल के आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कैलसी आपके हाथ में नहीं होगा, तो कुछ बातें आपको कॉमन सेंस से ज्ञात करने के, यार इसका आंसर 3975 रुपये होना चाहिए। तो अपन देखा कि 360 में आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 361। तो ये 360 हो गया था भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 361। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ 4-story बिल्डिंग, वो करा कि 4 मंजिल बिल्डिंग है, इफ प्लिंथ एरिया 300 square meters पर फ्लोर एंड हाइट 3 meters। वो कह रहा है कि एक मंजिल का प्लिंथ एरिया 300 meters square है, 4 मंजिल है तो एक तरह से कोई बिल्डिंग है 4 मंजिल है, एक तरह से फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, 4 मंजिल है, प्रत्येक का कितना एरिया है 300 meters square प्लिंथ एरिया, 300 meters square
300 मीटर स्क्वायर और 300 मीटर स्क्वायर एरिया है इनका, ये इनका प्लिंथ एरिया है। अब ये कह रहा है कि 300 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर एंड हाइट 3 मीटर, और ये कह रहा है पर फ्लोर, प्रति फ्लोर की हाइट जो कितनी है वो आपका कितनी है, आपका 3 मीटर है। तो एक तो देखा इसका वॉल्यूम देख लो, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 300 × 3 कर लो 900 मीटर स्क्वायर, इसका भी 900 मीटर स्क्वायर, इसका भी 900 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम, सॉरी क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्योंकि एक तरह से वॉल्यूम तो ये आता ही है ना, एरिया गुणा हाइट। तो एक का जैसे 300 मीटर स्क्वायर एरिया है और 3 मीटर हाइट है, तो 900 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया एक मंजिल का। तो अपन देखा चारों मंजिलों का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम चारों मंजिलों का 3600 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपको पर मीटर क्यूब की रेट दे रखी है, 2000 रुपये पर मीटर क्यूब रेट दे रखी है। तो जो रेट, क्यूबिकल रेट जो है वो 2000 रुपये पर मीटर क्यूब है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3600 × 2000, तो 72 के पीछे 50 लगा दो, 72 लाख होगी। लेकिन इसने कहा है कि 10% कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और देना है, 10% इसका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट और देना है। तो 10% इसका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट देगा तो 7,20,000 रुपये हो गए भाई। इसका 10% लेंगे तो इसका, इसका 10% लेंगे तो 7,20,000 ये हो गया। टोटल देख लो, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 72,79,20,000 रुपये मेरे को इसके ऊपर खर्च करने हैं, या 79,20,000 इसका आपका हो जाएगा। तो मैंने देखा कि यूनिट जो है वैल्यूएशन वाली वो आपकी ख़त्म हो जाती है, डी ऑप्शन होगा भाई इसमें। अब मैंने देखा कि लास्ट का जो मिसलेनियस टॉपिक है, हालांकि मैं इसको करा दूंगा, लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट थे आपके वो ख़त्म हो गया। अब एक लेक्चर का आपका और बच गया, मिसलेनियस टॉपिक्स वाला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।